वेब यूजेज माइनिंग जो है इट हैज़ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस जैसे हम अभी हमने एग्जांपल की बात की कि जब आप बिज़नेस एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो देखना चाह रहे हैं कि उनके कौन कौन से यूज़र्स हैं और उस यूज़र्स के डाटा को कैसे माइन किया जा सकता है अब इस माइनिंग का जो प्रोसेस है इसकी फेजेज़ हैं जो रफली स्पीकिंग थ्री फेज़ में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं अब वो फेजेस क्या हैं आइए देखते हैं यहाँ पर जो वेब यूजेज माइनिंग के फेजेज़ हैं वो तीन हैं नंबर वन प्री प्रोसेसिंग पैटर्न डिस्कवरी और पैटर्न एनालिसिस अब होता क्या है

पैटर्न डिस्कवरी निकालेंगे और जिसकी मदद से हमारे पास रूल्स एंड पैटर्न निकल के आएंगे कि जब उस्मान के बारे में इंफॉर्मेशन हमने लिखी तो कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं कौन से ऐसे रूल्स हैं जो कॉमनली अवेलेबल हैं अक्रॉस डिफरेंट वेबसाइट्स और फिर उनका हम पैटर्न एनालिसिस करेंगे तीसरे स्टेज में और वहाँ से इंटरेस्टिंग नॉलेज हमारे पास जनरेट होगा कि जब आप डॉक्टर उस्मान नानी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इफॉर्मेशन है लेट से वो यू के सर्वर से आ रही है फिर इन्फॉर्मेशन जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सर्वर से आ रही है एंड सॉन so इसी चीज़ को जब आप बिजनेस के ऊपर लेके जाते हैं और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ दराज के आप द्रास डॉट पी के की जब बात करते हैं तो आप क्या करते हो लेट्स से के आई वांट टू बाय समथिंग फ्रॉम दरास डॉट पी के लट से इसकी छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं मैं कहता हूँ मैं एक बेबलेट परचेज़ करना चाहता हूँ बेबलेट से मुराद यानी कि जो हमारे कॉमन कोई टॉय टाइप लट्टू समझ लें किस्म का जो हम करना चाह रहे हैं वहाँ से बाय तो आप क्या करें दराज डॉट पी के पर जाके आपने किया मेरे लॉगिन से यानी कि मैंने अपने लॉगिन से मैंने लिंक किया वहाँ पे तो क्या होगा सर्वर फाइल पे प्री प्रोसेसिंग होगी यूजर सेशन की फाइल बनेगी वो देखेंगे कि जी हम पहले किस तरह की चीज़ें ढूंढते रहे तो रूल्स एंड पैटर्न बनेंगे वहाँ से पैटर्निस होगा और फिर इंटरेस्टिंग नॉलेज जो है वो प्रेजेंट कर दिया जाएगा आपके फ्यूचर फेजेस के लिए इसी चीज़ को डिटेल में यहाँ पे दिखाया गया जो तीन फेजेस थे वहाँ पे तीन फेजेस जो बताए गए थे वो प्री प्रोसेसिंग पैटर्न डिस्कवरी और पैटर्न एनालिसिस था आल दो यहाँ पर थोड़ा सा इसको हमने ओपन अप किया है वो कैसे हमने किया अब होता क्या है सबसे पहले आपके पास जो डाटा है वो रजिस्ट्रेशन डाटा होता है रजिस्ट्रेशन डाटा जो है उसकी मदद से आप सर्वर लॉग डाटा बनाते हो प्ले स्टेशन से मुराद के है, जब भी आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं तो आपके आई पी की इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से लॉग इन हो रहे हो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सर्वर पर लॉग होनी शुरू हो जाती है डाटा क्लिनिंग के अंदर क्योंकि हम इसको वेब माइनिंग की तरफ जा रहे हैं तो हम अपनी स्पेस बचाना चाह रहे हैं कंप्यूटेशन पावर बचाना चाह रहे हैं तो आप डाटा को क्लीन करते हो जो लॉगिंग की क्लीनिंग की फाइल करते हो इसी तरह ट्राजेक्शन की आइडेंटिफिकेशन करते हो और यहाँ से आपके पास एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं डॉक्यूमेंट एंड यूजेज एट्रीब्यूट्स और डेटाबेस बेस क्यूरी लैंग्वेज और ये सारा का सारा इंटीग्रेटेड डाटा में आ रहा है जो हमारा प्रीवियस भी फेज था जिसको हम प्री प्रोसेसिंग कह रहे थे तो यहाँ पे हमने सिर्फ प्री प्रोसेसिंग को ओपन करके इतने सारे फेजेस में शो कर दिए फिर पैटर्न डिस्कवरी के आपके पास क्या होगा पैटर्न डिस्कवरी के अंदर जो है आपके पास ये सारी चीज़ें जो आएंगी ये सारी वो चीज़ें जो डेटा माइनिंग में हम डिस्कस करते रहे जिसमें पाथ एनालिसिस एसोसिएशन रूल माइनिंग सीक्वेंशियल पैटर्न फाइंडिंग क्लासीफिकेशन क्लस्टरिंग ये सारी वो चीज़ें जो हम डेटा माइनिंग में वन बाई वन काफ़ी दफ़ा डिस्कस पहले ही कर चुके हैं और फाइनली फिर हमारे पास पैटर्न एनालिसिस है जिसमें हम विजुलाइजेशन टूल्स नॉलेज क्यूरी मैकेनिज्म इंटेलिजेंट एजेंट इनको यूज़ करते हुए वेब माइनिंग के या वेब यूजेज माइनिंग की तरफ जाएंगे तो अगेन सिंपल आइडिया यही होगा कि हमारे पास तीन फेजेज हैं प्री प्रोसेसिंग पैटर्न डिस्कवरी और पैटर्नलिसिस प्री प्रोसेसिंग जो है दैट इज़ रिलेटेड टू तो डाटा क्लीनिंग और डाटा को प्रिपेयर करने से एलिमेंट है पैटर्न डिस्कवरी डाटा माइनिंग के टास्क हैं और पैटर्न एनालिसिस जो है वो हमें विजुलाइज करने में और उसे अंडरस्टैंड करने के लिए यूजफुल टूल है फॉर वेब यूजेज माइनिंग फेजेस